फोर्थ मॉड्यूल है, फर्स्ट चैप्टर आज पढ़ेंगे। मेरे पीछे भाई द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग संपत्ति का त्याग करके कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास के द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन के द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तात्पर्य यह यज्ञों के कई वर्ग इन यज्ञों के कई वर्ग किए जा सकते हैं। बहुत से लोग विविध प्रकार के दान पुण्य द्वारा अपनी संपत्ति का यजन करते हैं। भारत में धनाढ्य व्यापारी या राजवंशी अनेक प्रकार की धर्मार्थ संस्थाएं खोल देते हैं, यथा धर्मशाला, अन्न क्षेत्र, अतिथिशाला, अनाथालय तथा विद्यापीठ। अन्य देशों में भी अनेक अस्पताल, बूढ़ों के लिए आश्रम तथा गरीबों के भोजन, शिक्षा तथा चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान करने के दातव्य स्थान हैं। ये सब दान कर्म द्रव्यमय यज्ञ हैं। अन्य लोग जीवन में उन्नति करने अथवा उच्च लोगों में जाने के लिए चंद्रायण तथा चातुर्मास जैसे विविध तप करते हैं। इन विधियों के अंतर्गत कतिपय कठोर नियमों के अधीन कठिन व्रत करने होते हैं। उदाहरणार्थ चातुर्मास व्रत रखने वाला वर्ष के चार मासों में से जुलाई से अक्टूबर तक बाल नहीं कटाता, न ही कतिपय खाद्य वस्तुएं खाता है और न ही दिन में दो बार खाता है, न निवास स्थान छोड़कर कहीं जाता है। जीवन के सुखों का ऐसा त्याग तपोमय यज्ञ कहलाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनेक योग पद्धतियों का अनुसरण करते हैं, यथा पतंजलि पद्धति, ब्रह्मा में तदाकार होने के लिए अथवा हठ योग या अष्टांग योग विशेष सिद्धियों के लिए। कुछ लोग समस्त तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं, वे सारे अनुष्ठान योग यज्ञ कहलाते हैं जो भौतिक जगत में किसी सिद्धि विशेष के लिए किए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो विभिन्न वैदिक साहित्य तथा उपनिषद तथा वेदांत सूत्र या सांख्य दर्शन के अध्ययन में अपना ध्यान लगाते हैं। इसे स्वाध्याय यज्ञ कहा जाता है। ये सारे योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों में लगे रहते हैं और उच्च जीवन की तलाश में रहते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत इनसे पृथक है, क्योंकि यह परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा है। इसे उपर्युक्त किसी भी यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपितु भगवान तथा उनके प्रमाणिक भक्तों की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। फलतः कृष्ण भावनामृत दिव्य है। तो इसमें ये भगवद्गीता के चौथे अध्याय का 28वां श्लोक है। तो इसमें भगवान अलग अलग प्रकार के यज्ञों का वर्णन कर रहे हैं ना। सबसे पहला कौन सा है? द्रव्य यज्ञ, है ना। द्रव्य यज्ञ का अर्थ होता है कोई पदार्थ,
कोई वस्तु उसको द्रव्य बोलते हैं ना, ऐसे हवन वगैरह करते हैं ना उसमें जो सामग्री जुटाई जाती है उसको द्रव्य बोलते हैं। तो द्रव्य यज्ञ का अर्थ है कि किसी वस्तु का परित्याग करना या किसी को देना, है ना, समाज सेवा के लिए किसी वस्तु को देना, कोई एक तरह से द्रव्य यज्ञ हो गया है ना। शिलाभू का अर्थ क्या वर्णन कर रहे हैं, धर्मशाला है, कुछ लोग धर्मशाला खोलने में रुचि रखते हैं तो उसमें लोगों को ठहरने का या खाना खिलाने का वो सुविधा प्राप्त होती है, या निःशुल्क दिया जाता है, या फिर थोड़े से पैसे लेके दिया जाता है ना, ऑटो से सस्ता मिल जाता है लोगों को, है ना, उससे ये फायदा है। फिर अनाथ आश्रम है ना, वृद्ध आश्रम है, अन्न क्षेत्र है, अतिथिशाला है, है ना, ये सब क्या है, लोगों को किसी प्रकार से कुछ सुविधा देने के लिए। विभूगा कहते हैं पाश्चात्य देशों में भी ऐसी चीज़ें होती हैं, कोई हॉस्पिटल खुलवा देता है, कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन खुलवा देता है, कुछ एनजीओस होते हैं, कुछ दवाइयां मुफ्त में दिला देते हैं ना, तो ये भी क्या है, अच्छी बात है, ये भी एक प्रकार का यज्ञ है, किसी नीडी व्यक्ति की सेवा करना, है ना, तो इसको बोलते हैं द्रव्य यज्ञ, है ना। तो इसके पीछे क्या उद्देश्य होता है करने वाले व्यक्ति का, उच्च लोक को में जाना, मतलब किसी प्रकार की भौतिक इच्छा की पूर्ति करना, है ना। एक भौतिक इच्छा की पूर्ति ये हो सकती है कि हमारे ऊपर कुछ ग्रह है वो टल जाए, है ना, कई बार लोग कुत्तों को खाना खिलाते हैं, काले कुत्ते को ही खाना खिलाना है ना, कुछ गाय को खाना खिलाते हैं ना, किसी पंडित ने बोल दिया कि गाय को खाना खिलाना है, किसी ने बोल दिया कुत्ते को खाना खिलाना है, किसी ने बोल दिया बिल्ली को दूध पिलाना है, है ना, तो ऐसा करोगे तो कोई समस्या टल सकती है ना। या किसी धन प्राप्ति की इच्छा से करते हैं, है ना, या फिर स्वर्ग लोग जाने के लिए करते हैं, आपकी बात नहीं कर रहे, जनरल बात कर रहे, आपकी बात किसने की, उस पर भी आ रहा हूँ मैं, सारे पॉइंट्स को कवर कर रहा हूँ जनसाधारण। तो कुछ लोग इसलिए करते हैं स्वर्ग में जाने के लिए, है ना, कि थोड़ा दान पुण्य करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, है ना। कुछ लोग हो सकते हैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए करें, है ना, हालांकि बहुत लोग बोलते हैं कि निस्वार्थ भाव से करते हैं, पर निस्वार्थ भाव होता नहीं है, बहुत कम ऐसा पाया जाता है, साधारण ऐसा होता नहीं। तो ये होता है द्रव्य यज्ञ, किसके पीछे कोई भौतिक लाभ की इच्छा होती है। फिर इसके बाद क्या बताया भोपाल ने, तपो यज्ञ, तपो यज्ञ मतलब कि जैसे शास्त्रों में अलग अलग प्रकार की तपस्याएं दी हुई हैं उन तपस्याओं को करना, है ना। इसमें भोपाल एक तपस्या का वर्णन कर रहे हैं, कौन सी तपस्या है, चतुर्मास, है ना, चतुर्मास जुलाई के आसपास शुरू होता है और 4 महीने के लिए चलता है, जिसमें अंतिम कार्तिक मास होता है, हम सब जानते हैं, है ना। तो चतुर्मास में कुछ लोग बहुत कठिन तपस्याएं करते हैं, जैसे का बाल नहीं कटवाएंगे, नाखून नहीं काटेंगे, दिन में एक बार खाएंगे बिना नमक का खाएंगे, खिचड़ी खाएंगे, बहुत सी चीज़ें बताई जाती हैं, धरती पर सोएंगे, है ना। जो कुछ लोग होते हैं सूर्य के नीचे आग लगा के बैठेंगे, कुछ लोग ठंड के अंदर पानी के अंदर डूब के रहेंगे, तो ऐसी बहुत सी तपस्याएं होती हैं और लोग करते भी हैं, है ना। इसको बोलते हैं तपो यज्ञ, है ना। इसके बीच अधिकांशतः लोगों की इच्छा होती है मुक्ति प्राप्त करना, क्या प्राप्त करना, मुक्ति प्राप्त करना, इस संसार से छुटकारा प्राप्त हो जाए। मुक्ति भी कौन सी, निराकार ब्रह्म में लीन हो जाना, ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना, वो वाली मुक्ति, है ना। तो यह तपो यज्ञ, आगे भगवान ने बताया है योग यज्ञ, है ना। योग यज्ञ मतलब जो हठ योग होता है, है ना, सुनो नष्टचक्र योग बोलते हैं, अलग अलग प्रकार के चक्र होते हैं बॉडी के अंदर, है ना, तो वो होते हैं, उसमें जो योगी होता है अलग अलग प्रकार की प्राण वायु को कंट्रोल करता है, जैसे प्राणायाम होता है, प्राणायाम वो भी इसका एक पार्ट है, सांस अंदर लेना, सांस को बाहर निकालना, ये अष्टांग योग का एक पार्ट है। तो अष्टांग योग के पीछे क्या अभिप्राय होता है, कि अपनी इंद्रियों को वश में करना, सेंस कंट्रोल, है ना, और वो अपने हृदय के अंदर भगवान के विष्णु फॉर्म के ऊपर ध्यान लगाते हैं, उनका भी लक्ष्य होता है अधिकांशतः ब्रह्म ज्योति में लीन होना, मतलब मुक्ति प्राप्त करना।
इसके बाद कौन सा है? स्वाध्याय यज्ञ। स्वाध्याय का मतलब रीडिंग, शास्त्रों को पढ़ना, ज्ञान योग इसको बोलते हैं। तो अलग अलग प्रकार का ज्ञान अर्जित करते हैं, उसके पीछे भी उद्देश्य होता है मुक्ति प्राप्त करना, है ना। तो ये जितने भी चार प्रकार के यज्ञ भगवान बता रहे हैं, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय यज्ञ, इन सबके पीछे अधिकांशतः जो अभिप्राय होता है वो भौतिक इंद्रिय तृप्ति होता है। जो मुक्ति की अभिलाषा है उसको भी जो वैष्णव है वो सही नहीं मानते हैं, वो उसको भी एक तरह से इंद्रिय तृप्ति का पार्ट मानते हैं। तो इसके विपरीत अंत में भगवान ने क्या बताया है कि जो भक्ति योग है, कृष्ण भावनामित है, वो इन सब प्रकार के यज्ञों से श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि इसमें उसकी इच्छा क्या है? भगवान की सेवा। क्योंकि भगवान इस जगत से परे हैं, तीनों गुणों से परे हैं, इसीलिए कृष्ण भावनामित वो भी क्या है? दिव्य है। बहुत ही जगत से परे की बात है, तीनों गुणों के ऊपर की बात है। वो ऊपर अंतिम लाइन में क्या लिख रहे हैं? कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ट्रांसेंडेंटल। क्यों है ट्रांसेंडेंटल? क्योंकि बिल्कुल सीधी भगवान की सेवा है, और जो भक्त भगवान की भक्ति करता है उसके अंदर इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं होती, केवल एकमात्र इच्छा होती है भगवान की सेवा करना। तो इसीलिए जो कृष्ण भावनामित है ये किसी भौतिक विधि के द्वारा प्राप्त नहीं की जाती, ना ही शास्त्रों को पढ़ के प्राप्त हो सकती है, ना ही तपस्या करके प्राप्त होती है, ना ही कोई धन राशि वगैरह दान करके प्राप्त होती है, है ना। किससे प्राप्त होती है? केवल भगवान और भगवान के भक्तों की कृपा को प्राप्त करके ही कृष्ण भावनामित को प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसको दिव्य स्थिति बताया गया। तो बड़ा सिंपल सा प्रभुपाद ने तात्पर्य दिया है, और ये भगवद्गीता के किस संदर्भ में बताया गया है, इसमें भगवान बताते हैं कोई भी प्रकार का अगर हम यज्ञ करते हैं उसके बाद हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, है ना। शास्त्र में बचपन में भी अभी आपने देखा हो, नवरात्र वगैरह होते हैं, हम हवन करवाते हैं, है ना, अलग अलग टाइम पे हम हवन करवाते हैं, तो उनको करवाने से क्या फायदा होता है? कर्मकांड को करने से क्या लाभ प्राप्त होता है बताइए? सर्वोत्तर वो कोई बहुत ही उन्नति प्राप्त हो जाती है, पर उसमें एक एक फायदा क्या होता है? भौतिक इच्छा नहीं, वो तो चलो भौतिक हो गया, आध्यात्मिक तरीके से वातावरण शुद्ध होता है और पॉजिटिविटी बढ़ती है, और उन यज्ञों को करने में भगवान विष्णु के नामों का उच्चारण होता है। कोई भी हवन हम करवाते हैं, सबसे पहले जो पूजा होती है भगवान विष्णु की होती है, है ना। तो क्योंकि उसमें भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण के नामों का उच्चारण किया जाता है, तो उससे उस व्यक्ति की चेतना शुद्ध होती है, है ना। अभी उसकी चेतना क्या है? भौतिक इच्छाओं से युक्त है। यज्ञ भी कर रहा है तो भौतिक इच्छा से कर रहा है, ना? पर क्योंकि भगवान का नाम सुनता जाएगा, धीरे धीरे उसका हृदय क्या हो जाएगा? शुद्ध होगा। तो वो धीरे 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 ग्रेजुअली वो क्या कर रहा है? कृष्ण भावनामित की ओर प्रगति कर रहा है। इसलिए उन यज्ञों को करने से भी हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो अगर वो ऐसा भी करता रहेगा धीरे 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 धीरे, चांस है कि वो बाद में जाके कृष्ण भक्ति को स्वीकार कर सकता है, ना? भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशान कृष्ण भक्त निष्काम अतः एव शाम। जब तक हमारे हृदय में कोई भौतिक इच्छा रहेगी तब तक शांति प्राप्त नहीं हो सकती, तब तक क्या नहीं प्राप्त होगा? शांति प्राप्त नहीं होगी। भुक्ति मुक्ति सिद्धि, अगर किसी को भौतिक भोग चाहिए, अगर किसी को मुक्ति चाहिए, अगर किसी को सिद्धि चाहिए, सिद्धि मतलब कुछ पावर, जैसे योगी होते हैं उनके पास पावर होती है, पानी पे चल सकते हैं, हवा में उड़ सकते हैं, बहुत छोटे हो सकते हैं, बहुत बड़े हो सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, ये सिद्धियाँ योगियों के पास होती हैं।
कुंभ मेला लगता है ना साल में एक बार, माघ मेला कुंभ मेला लगता है, तो वहाँ पे आपको ऐसे बहुत से योगी मिल जाएंगे जिनके पास कुछ कुछ शक्तियाँ होती हैं। अभी भी आप देख सकते हो जाके, कोई आग के ऊपर बैठा भी दिख सकता है आपको ना। कुछ योगी होते हैं हिमालय में डुबकी लगाते हैं गंगा में, हरिद्वार में निकलते हैं ऐसे योगी भी होते हैं, है ना। तो भुक्ति मुक्ति सिद्धि, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, जिनको ये इच्छा है किसकी, भुक्ति की, मुक्ति की, सिद्धि की, सकले अशांत, वो सब क्या रहते हैं, अशांत रहते हैं, क्योंकि अभी भी क्या इच्छा है, कृष्ण भक्त निष्काम अतः शांत। तो कृष्ण भक्त होता है हमेशा निष्काम होता है, मतलब उसकी कोई भौतिक इच्छा नहीं होती, उसकी केवल एक आध्यात्मिक इच्छा होती है भगवान की सेवा करना, इसलिए हमेशा शांत रहता है ना। सेवा दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के पास जाते हैं, अम्बरीश महाराज जो कि भगवान के बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं, भागवत में कथा आती है, नौवें स्कंद में आती है। तो अम्बरीश महाराज उस टाइम पे उन्होंने एक साल का एकादशी व्रत रखा होता है, समझ, एक साल के लिए एकादशी व्रत रखा होता है। तो जो एकादशी व्रत, आप कितने भक्त हैं जो एकादशी व्रत रखते हैं? बहुत अच्छी बात है, आप भी रखते हैं? जनरली तो रखते हैं, जनरली रखती हूँ, जैसे बाहर जाती हूँ ना, फिर वहाँ का घर का खान पान ऐसा होता है, मुझे लगता नहीं कि मैं कोई चीज खा पाऊंगी यहाँ पे, वो घर का मैं तो शायद बीच में मिस हो जाता है, नहीं तो रखती हूँ, करना होता है बात सीधा। और कौन कौन करते हैं? एक दो तीन चार, छोड़ के ठीक है। तो जो करते हैं उनको पता होगा कि उसका द्वादशी के दिन एक समय होता है, उस समय के अंदर उस व्रत को हमें पारण करना होता है, व्रत पूरा किया जाता है उस समय के बीच में अनाज को ग्रहण करके। तो एक साल के लिए उन्होंने व्रत रखा होता है अम्बरीश महाराज ने, तो द्वादशी का समय आ जाता है, उसमें पारण करना होता है ना। तो उस समय में वहां पे आते हैं दुर्वासा मुनि, है ना। दुर्वासा मुनि किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? गुस्से के लिए, गुस्से के लिए, है ना। तो दुर्वासा मुनि आते हैं तो अम्बरीश महाराज तो राजा है, क्षत्रिय है, वो ब्राह्मण है, तो राजा कर्तव्य है कि अगर ब्राह्मण आए हैं तो उनका उनको पूरा सत्कार करना है, रिस्पेक्ट करना है, पूजा करनी है, तो प्रॉपरली उनको अटेंड करते हैं। तो दुर्वासा मुनि कहते हैं कि मैं अभी स्नान करके आता हूँ, आने के बाद मैं भोजन ग्रहण करूँगा। तो जब तक वो वापस नहीं आएंगे तब तक अम्बरीश महाराज खा नहीं सकते, तो वेट करते हैं उनकी। पर जो व्रत पारण का जो समय होता है निकल रहा होता है, क्योंकि एक टाइम के अंदर ही व्रत को पूरा करना है, तो अम्बरीश महाराज दुविधा में पड़ जाते हैं क्या करें, है ना। तो अपने ब्राह्मणों से, जो राजपाट के जो ब्राह्मण होते हैं उनसे सलाह मशवरा करके वो एक बूंद पानी की ग्रहण करते हैं व्रत को पूरा करने के, है ना। क्योंकि शास्त्र में बताया गया कि अगर हम पानी पीते हैं तो वो खाने के समान माना भी नहीं जाता, और ये भी माना जाता है कि उस आपका व्रत पूरा हो गया, दोनों कंडीशन से फुलफिल हो जाते। तो दुर्वासा मुनि आते हैं वापस, अपनी योगी शक्ति से उनको पता लग जाता है कि इन्होंने कुछ ग्रहण किया है, वो एक बूंद पानी की भी होती है, कोई व्रत पूरा करने के लिए क्या होता है ना। तो क्रोध में आ जाते हैं ना कि तुम्हें ब्राह्मण का सत्कार करना नहीं आता है ना, तो तुमने मेरे आने से पहले किया कैसे। तो अपना एक बाल उखाड़ते हैं और उससे एक बहुत भयानक राक्षस को उत्पन्न करते हैं, किस लिए? अम्बरीश महाराज को मारने के लिए, अम्बरीश महाराज को मारने के लिए। क्यों? क्योंकि मेरा रिस्पेक्ट नहीं किया, समझ रहे। तो सिद्धि कामी मतलब उनके अंदर भी क्या रहती है, योगियों के अंदर भी इच्छा है ना, रिस्पेक्ट प्राप्त करना भी एक इच्छा है, है ना। और जो अम्बरीश महाराज होते हैं तो भगवान बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं, वो तो बिल्कुल निर्भय होते हैं, बताया जाता है कि एक कदम भी पीछे नहीं हटाते, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र होता है हमेशा उनके साथ में रहता था, उनके राज्य के अंदर, उनके मतलब घर में जो मंदिर बनाया हुआ था तो वहाँ पे सुदर्शन हमेशा रहते थे, महाराज अम्बरीश की रक्षा करने के। तो महाराज अम्बरीश तो वहीं खड़े रहे, तो सुदर्शन चक्र आते हैं वहाँ से, उस राक्षस को मार देते हैं, और राक्षस को मारने के बाद दुर्वासा मुनि के पास जाते हैं। अगला नंबर किसका है? दुर्वासा मुनि का। तो सुदर्शन का तेज है बहुत, बहुत तेज होता है उसका हीट है, तो दुर्वासा मुनि भागते हैं,
पहले जाते हैं शिव जी के पास, शिव जी के पास आके कहते हैं कि तुम मेरी रक्षा करो। शिव जी को पास है कि आप मेरी रक्षा कीजिए, तो कहते मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है आपकी रक्षा करने का, यहाँ से जाइए वरना सुदर्शन चक्र हीट हमें प्रभावित करेगी, तो वहाँ से जाना पड़ता है। फिर जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी कहते मैं कुछ नहीं कर सकता है ना, गलत जगह पे आपने हार डाल लिया है। तो ब्रह्मा जी के पास जाने के बाद जाते हैं सीधा वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास, तो भगवान विष्णु कहते मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ, है ना, तुमने मेरे भक्त को तंग किया है तो आपको सुदर्शन से बचाने की मेरे अंदर भी सामर्थ्य है नहीं। बड़ा अच्छा उनको उपदेश देते हैं, तो अगर आपको अपनी रक्षा करनी है तो क्या करो, अम्बरीश महाराज के पास ही जाओ, उनसे क्षमा मांगोगे तब जाके सुदर्शन आपको छोड़ सकता है। तो आशा उन्हें भाग के जाते हैं, है ना, और इतने में एक साल बीत जाता है, क्योंकि ऊपर के लोगों का जो समय है और धरती का जो समय है वो एक समान नहीं है, है ना। और एक साल बाद आगे देखते हैं कि अम्बरीश महाराज वहीं खड़े होते हैं, एक साल से उनकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, है ना, और एक साल से उन्होंने कुछ खाया नहीं होता है। वो कहते हैं ब्राह्मण आएंगे तभी उनको खिलाने के बाद ही खाऊंगा। तो अम्बरीश महाराज का चरित्र था इस प्रकार से, है ना। तो दुराशा मुनि आते हैं, अम्बरीश महाराज के चरणों में गिरते हैं, फिर अम्बरीश महाराज सुदर्शन से प्रार्थना करते हैं, तब सुदर्शन जाके उनको वहाँ से छोड़ते हैं, दुराशा मुनि को भोजन खिलाते हैं, दुराशा मुनि वहाँ से अम्बरीश महाराज का गुणगान करते हुए जाते हैं। वो किसी और युग की बात है, तो अम्बरीश महाराज भगवान के भक्त थे, है ना, बिल्कुल इच्छाओं से मुक्त थे, निष्काम थे, इसलिए हमेशा शांत थे, है ना। वो इतने बड़े योगी थे, इतनी बड़ी सिद्धियां थी, फिर भी थोड़ी सी उत्तेजना के ऊपर अशांत हो गए। वो किस हद तक हो गए कि राजा को मारने के लिए वो आतुर हो जाते, है ना। इसलिए कहते हैं भुक्ति मुक्ति सीधी कामी सकले अशान, कृष्ण भक्त निष्काम पताये शांत। इसलिए कृष्ण भावना में की जो विधि है वो क्या है, वो दिव्य है, वो तीनों गुणों के ऊपर की बात है ना। बाकी जितने भी यहाँ बताए गए, द्रव्य यज्ञ है, तपो यज्ञ है, योग यज्ञ है, स्वाध्याय यज्ञ है, सब क्या है, तीनों गुणों के अंतर्गत आते हैं। बेसिकली या उसमें भौतिक लाभ की इच्छा होती है, या फिर उसमें मुक्ति की इच्छा होती है, या फिर उसमें सिद्धि की इच्छा होती है, पर कृष्ण आवाज में केवल भगवान की प्रसन्नता की इच्छा होती है। इसलिए वो जो भक्त होता है हमेशा तीनों गुणों से ऊपर रहता है। ठीक है, तो ये हमने आज चर्चा किया है, तो अभी आप इसको 2-3 मिनट के लिए पढ़ लीजिए, इसके बाद भी नीचे कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं, आपको उनके आंसर ढूंढने हैं। भक्ति शिष्य थे, है ना, तो भगवान वहाँ पे उस ज्ञानी की बात कर रहे हैं कि जो इस निष्कर्ष पे पहुंचा है कि कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है, मतलब सब कुछ उसने पढ़ लिया है, सब कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अंत में इस कंक्लूजन पे पहुंचा है वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभ, है ना। पर इस कंक्लूजन तक पहुँचने के लिए ज्ञानी को बहुत जन्म मिल जाते हैं, बहुना जन्मना मनते ज्ञानवान माँ प्रपत्य, बहुत जन्मों के बाद सब ज्ञान हासिल करने के बाद वो फिर मुझे शिनाख्त होता है। और क्या समस्या है, वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभ, है ना। जो व्यक्ति इस निष्कर्ष पे पहुँचता है कि वासुदेवा सर्वमिति, वासुदेव ही सब कुछ है, तो ऐसा महात्मा भगवान कह रहे हैं बहुत ज़्यादा दुर्लभ है। तो काफी जन्मों में उसके बाद प्राप्त होता है, आसानी से ये श्रद्धा विकसित नहीं होती है। भगवान खुद ही कह रहे भूना जन्म ना मानते, या शुद्ध भक्त कृपा से होता है, या बहुत जन्मों के बाद पुण्य कार्य करने, भक्ति में पुण्य कार्य करें, भक्ति उन लोग सुप्रीति बोलते हैं, उसके बाद किसी को ये श्रद्धा होती है वासुदेव सर्वमिति। तो उस ज्ञानी की बात मान कर कि वो व्यक्ति मुझे प्रिय है।
खोज, ऐसे विविध प्रकार के यज्ञों के नाम बताए जिससे लोग अपने को ऊंचा उठाने के लिए करते हैं। बताइए कौन कौन से यज्ञ हैं? द्रव्य यज्ञ हो गया, चतुर्मास हो गया, तमोपे यज्ञ हो गया, अष्टांग योग, स्वाध्याय यज्ञ के हैं, द्रव्य यज्ञ, तपोयज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय यज्ञ। समझ। पहला, प्रत्येक यज्ञ के बारे में विस्तार से बताएं और उस यज्ञ से करने वाले को क्या लाभ मिलता है। द्रव्य यज्ञ क्या होता है? द्रव्य यज्ञ से अपनी संपत्ति का यज्ञ, अपनी संपत्ति का परित्याग करना, मतलब किसी दूसरे के मदद करने का प्रयास करना। तपो यज्ञ तपस्या करना, है ना, जिसमें एक उदाहरण दी है चतुर्मास की, ये तो एक उदाहरण है, और भी बहुत प्रकार की तपस्याएं होती है। योग यज्ञ अष्टांग योग, सिद्धियां प्राप्त करते हैं। स्वाध्याय यज्ञ अध्ययन करना और ज्ञान को प्राप्त करना। दूसरा, उपर्युक्त सभी यज्ञों में क्या समानता है? कृष्ण भावनामृत इनसे किस प्रकार पृथक हैं? तो इन चार प्रकार के यज्ञ हैं, इनमें कॉमन चीज क्या है? भौतिक इच्छा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, हायर स्टेट्स ऑफ लाइफ, है ना, उच्च पद प्राप्त करने की इच्छा। और कृष्ण भावनामृत इनसे अलग कैसे है? परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा है, भगवान की सेवा करने की इच्छा से वो करता है, भौतिक इच्छा नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान की सेवा हमें कैसे लाभ देती है? भगवान की सेवा करने से क्या लाभ होता है? चेतना शुद्ध होती है, मन शुद्ध होता है, इंद्रियों पर संयम होता है, भौतिक इच्छाओं से मुक्ति प्राप्त करते हैं, शांति प्राप्त करते हैं और भगवान श्री कृष्ण के धाम को वापिस जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं। ये भगवान की सेवा करने का फल हमें इस प्रकार से प्राप्त होता है। प्रयोग, क्या आप इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हैं कि कृष्ण भावनामृत सबसे अच्छी समाज सेवा है? क्यों या क्यों नहीं? सहमत है तो क्यों सहमत है, और नहीं है तो क्यों नहीं है? क्यों सहमत है बताओ? की भौतिक इच्छाओं के तो ऐसा है कि भाई जो चीज़ मिलती जाएगी वो उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, जो उसके नेक्स्ट इच्छाएं तो चलती ही रहेंगी, बढ़ती चली जाएंगी और जीवन निकल जाएगा इसी में, और अंत में फिर कुछ इच्छाएं ऐसी रह जाएंगी फिर वो पूरी नहीं होंगी, तो जीवन इसी चक्कर में निकल जाएगा, क्या फायदा उसके लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। हाँ, फिर वो लोग चक्कर में घूमते रहेंगे। तो पॉइंट ये है कि कृष्ण भावना का प्रचार करना सबसे बड़ा समाज सेवी कार्य क्यों है? दूसरा क्या है कि भाई एक इसी से एक जीवन में संतोष में जीवन आ सकता है, मतलब जो होता है ना भाई ये भी चीज़ मिल जाए वो भी चीज़ मिल जाए, वो चीज़ इसी से रुक सकती है, और जब तक वो नहीं रुकेगी तब तक सुख या मतलब मेंटल स्टेबिलिटी सुख वो नहीं आएगा। सही बताया पूछ रहे हैं, है ना। तो अगर किसी व्यक्ति की हम सेवा करना चाहते हैं, कोई दुखी व्यक्ति हम देखते हैं, अगर उसकी मदद करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है कि उसको भगवान से जोड़ें, यही उसकी समस्याओं का परमानेंट सॉल्यूशन है, है ना। जैसे इसमें उदाहरण देते हैं कि कोई बच्चा है, छोटा बच्चा, बहुत बार हम इस उदाहरण को देखे हैं कि मान लीजिए कभी अपने माता पिता से बिछड़ चुका है, है ना, अकेला घूम रहे हो, तो कोई व्यक्ति आता है उसके पास कि बच्चा रो रहा है कि मैं इसको कुछ खाने को दे देता हूँ, तो बच्चा खा लेता है, खाने का फिर रोना शुरू कर देता है। फिर दूसरा व्यक्ति आता है कि चलो ठंड पड़ रही है, मैं इसको कुछ कपड़े दे देता हूँ, है ना, खिलौना दे देता हूँ, तो बच्चा लेता है, थोड़ी देर के लिए खेलता है, उसका फिर रोना शुरू कर देता है। ऐसे ही अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं, उसकी मदद करते हैं। फिर एक समझदार व्यक्ति आता है, वो सोचता है कि इसको सब कुछ मिल गया, खाने को मिल गया, खेलने को मिल गया, कपड़े मिल गए, फिर क्यों रोता है, मतलब माता पिता से अलग हो गया है, है ना, तो चाहता है कुछ अनाउंसमेंट वगैरह करके उनके माता पिता को बुला लेता है, है ना। अब माता पिता के आगे क्या है, बहुत से लोग खड़े हैं जिन्होंने बच्चे की मदद की है, सबका धन्यवाद देंगे, और सबसे ज्यादा धन्यवाद किसका देंगे? जिसने मिलाया माता पिता से।
उसको क्यों देंगे धन्यवाद? सबसे बड़ा काम किया उसने, क्योंकि उसकी अब सारी समस्याओं का समाधान हो गया है। माता पिता सबको दे देंगे उसको, है ना। इसी प्रकार से यहाँ पे जो लोग हैं सब भगवान से बिछड़ के आए हैं, है ना। कभी हम किसी को खाने के लिए देते हैं, कभी किसी को पहनने के लिए देते हैं। अगर आप उसको भगवान से मिलवा दोगे तो क्या हो जाएगा? एक ही शॉट में सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसीलिए किसी को भगवान से मिलवाना वो क्या है, उसकी सबसे बड़ी सेवा है। इसीलिए हम किसी को अगर हम भक्ति में जोड़ते हैं तो उससे भगवान सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और वो उस व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी सेवा है। इसलिए कहते हैं कि जो कृष्ण भावामृत है समाज सभी समाज से भी कार्यों में से सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, कोई और आपका प्रश्न हो आज की चर्चा में तो आप पूछ सकते हो, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ें। आउट ऑफ सिलेबस चलेगा प्रभु जी सवाल? पहले सिलेबस वाले कृष्ण भावामृत है क्या है, मतलब पूरी चीजें क्या क्या है इसके अंदर? कृष्ण भावनामृत, भावना का अर्थ क्या होता है कि अपनी चेतना में भगवान श्री कृष्ण को डालना। एक ऊपर इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना। कॉन्शियसनेस मतलब चेतना, है ना, कृष्णमय चेतना, समझ रहे। कृष्णमय चेतना का मतलब क्या है? उसकी चेतना का जो केंद्र बिंदु है भगवान श्री कृष्ण है, तो जो भी कार्य वो करेगा 24 घंटे हर कार्य का केंद्र बिंदु कौन रहेंगे? भगवान श्री कृष्ण है, उनके इर्द गिर्द ही सब कार्य करता है, है ना। तो इसके लिए भक्ति की अलग अलग विधियां बताई गई हैं। प्रहलाद महाराज 9 विधियां बताते हैं, शबनम कीर्तनम विष्णु स्वर्णम भासेवनम अर्चनम अन्नम दास्यम सख्यम हाथ निवेदनम। तो ये 9 प्रकार नवदा भक्ति इसको बोला जाता है, है ना। तो ये उसके अंग हैं, है ना। तो कृष्ण भावनामृत का अर्थ है कि 24 घंटे भगवान श्री कृष्ण से संबंधित कार्य को करना, जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें सेंट्रल पॉइंट भगवान, हाँ सेंट्रल पॉइंट भगवान श्री कृष्ण है, उसको बोलते हैं कृष्ण भावना। मतलब उसका आप प्रोटेक्शन से करें और ईश्वर के प्रति समर्पित होकर करें, जो हम आपके लिए कर रहे हैं, बेशक आप अपने डेली रूटीन के काम कर रहे हैं। हाँ, इसलिए चाहे कोई ब्रह्मचारी है चाहे गृहस्थ है, दोनों ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं। हर कार्य किसके लिए करना है? भगवान के लिए करना है। जैसे भगवान ने अर्जुन को क्या बोला, तस्मात सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धे च, हर समय मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। मई अर्पित मनोबुद्धि, अपना मन और बुद्धि मुझे अर्पित करो, माम वैश्यसि संशय, तो बिना किसी संदेह के मेरे पास लौट के वापिस आ, है ना। भगवान ने नहीं बोला कि युद्ध छोड़ के आराम से बैठ जाओ रथ के ऊपर, मैं कर लूंगा युद्ध। भगवान ने बोला युद्ध भी करो और साथ में मेरा स्मरण भी करो। तो कार्य हमें सारे करने हैं, जिस आश्रम में हम हैं, चाहे गृहस्थ आश्रम में है, चाहे ब्रह्मचारी आश्रम में, चाहे वानप्रस्थ में, चाहे संन्यास में, जिस भी आश्रम में है उस आश्रम के सारे कार्यों को ड्यूटीज को करना है, पर हर ड्यूटी के साथ क्या करना है? भगवान का स्मरण करना है। इसके बाद क्या होगा? बिना किसी संदेह के भगवान के धाम को वापिस हम जा सकते हैं, है ना। और इसको कैसे करना है, उसके लिए हमें अपने गुरु से प्रशिक्षण लेना होता है, अध्यात्मिक गुरु से। प्रहलाद महाराज एक महाजन है, इसने उन्होंने नवदा भक्ति बताई है ना। रूप गोस्वामी उन्होंने भक्ति के 64 अंग बताए हैं। गोपाल जी ने हमें बहुत प्रैक्टिकल रूप से बताया है, 16 माला का जप कीजिए, 4 नियम पालन कीजिए, प्रचार कीजिए, अध्ययन कीजिए, सुनिए, सेवा कीजिए, सब भक्ति के अलग अलग अंग हैं। किसके लिए हैं? केवल भगवान का स्मरण करने के। लक्ष्य क्या है हर चीज़ का? लक्ष्य क्या है? भगवान का स्मरण। स्मर्तव्य सत्यम विष्णु विस्मर्तव्य ना जातुः, इस तरह से बताते हैं। इसलिए वो कहते थे कि ये
माया के खिलाफ युद्ध करने के लिए हमारे बॉम्ब हैं। भगवीता क्या है? बॉम्ब है। किसके खिलाफ युद्ध करने के लिए? माया के खिलाफ। कहते हैं युद्ध के समय में आसमान से बमबारी होती है, इसे दिसंबर के महीने में आसमान से क्या होना चाहिए? गीता बरसनी चाहिए, गीता बरसनी चाहिए। इतना रूपा कहते हैं हर बद्ध जीवात्मा की गोद में भगवीता फेंकनी चाहिए, है ना। ये माया के खिलाफ युद्ध है। ऊपर की बार कहते थे कि ये हमारा टाइम बॉम्ब है, कि अगर आप किसी को भगवीता दे रहे हैं तो आपने क्या कर दिया है? टाइम बॉम्ब लगा दिया उसके जीवन में। कभी ना कभी फटेगा, समय आने फटेगा वो। फिर वो भक्ति को स्वीकार करे, इसलिए जितनी ज्यादा हो सके भगवीता में भागनी चाहिए, है ना। ये तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, एक जिसको आप दोगे उसका जीवन सफल हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। ऐसे श्रीमती राधानी का श्लोक डिस्कस किया, आपको भी लाभ है, आपको लाभ क्या, भगवान आपसे प्रसन्न है, उसको लाभ है कि उसका जीवन में नई दिशा उसको प्राप्त होगी, दोनों को लाभ है। वो पूरे जगत का वातावरण इससे शुद्ध होता है, है ना। इसलिए सबसे उच्चतम सेवा प्रचार की सेवा को बताया गया। तो ये हमारी आज की चर्चा थी। पहले मैं चर्चा किया चार प्रकार के यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय यज्ञ। फिर कैसे वो कृष्ण भावनामित है, वो इन चारों से अलग है और श्रेष्ठ है। फिर हमने चर्चा किया कैसे भगवान की जो भक्ति है वो जात पात या अमीर गरीब इन सबसे ऊपर की अवस्था है, कोई भी भगवान की भक्ति में हिस्सा ले सकता है, भक्ति कर सकता है, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है किसी प्रकार की। फिर हमने चर्चा किया कैसे भगवान के संदेश का जो प्रचार है वो सबसे सर्वोत्तम सेवा है। अभी अगर आपको कोई प्रश्न है पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम यहीं पे समापन करेंगे। एक माला करके फिर समापन करें। वो इसलिए करते हैं कि कई बार माला करते करते हमारा जो ध्यान है इधर होता है या किसी प्रकार का अपराध भी होता है ना, तो इस मंत्र का उच्चारण करके हम उन अपराधों से निजात प्राप्त करते हैं। यानी श्री चैतन्य महाप्रभु का मंत्र है, पंचतत्व मंत्र को बोलते हैं। तो शुरू करने से पहले हम इसका उच्चारण करेंगे, फिर उसके बाद हर हर बीड़ के ऊपर हम एक हरे कृष्णा मंत्र उच्चारण करते हैं, है ना। तो एक माला का मतलब है कि आपने 108 बार उस मंत्र का उच्चारण किया, बेसिकली काउंटिंग के लिए। पहले हम मेरे पीछे दोहराइएगा फिर मेरे साथ साथ बोलिए। जय श्री कृष्ण चैतन्य, जय श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्री अद्वैत गदाधर, शिवासादि, शिवासादि गौर भक्तवृंद, गौर।